के बारे में। हायरिंग प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम होती है जहां कंपनी को एक कैंडिडेट चाहिए होती है एक किसी पोस्ट के लिए, ठीक। ये प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम को हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कंपनी है, कंपनी ए है, ठीक। ये कंपनी है, कंपनी ए, इसको इसने अपना नया ऑफिस ओपन किया है, ठीक। नया ऑफिस का जो नाम है वो है बी, न्यू ऑफिस ओपन किया है। इसमें एक पोस्ट है खाली है, वो कौन सी पोस्ट है? असिस्टेंट की, असिस्टेंट की पोस्ट है। और इस पोस्ट को भरने के लिए कंपनी जो है इसको बेस्ट कैंडिडेट चाहिए। तो ये क्या करेगी, एक एजेंसी को कॉन्टेक्ट करेगी। एजेंसी जो होगी वो होगी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी। यहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी वो एजेंसी होती है जहाँ पे किसी स्टूडेंट या कैंडिडेट को जॉब चाहिए होती है। तो जो जो कैंडिडेट होता है यहाँ पे अप्लाई करता है एम्प्लॉयमेंट एजेंसी पे, और कभी या किसी कोई भी ऑफिस में अगर पोस्ट खाली होती है तो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी उस पर्सन को कॉन्टेक्ट करती है कि इस कंपनी में ये पोस्ट खाली है, आप जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं या आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं, या खुद एम्प्लॉयमेंट एजेंसी उस एम्प्लॉय को उस ऑफिस में वहां पे सेंड करती है उसको। तो एज सेम काम यहाँ पे कंपनी ए ने क्या किया है, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के साथ कॉन्टेक्ट किया है कि हमको हमारी पोस्ट असिस्टेंट पोस्ट के लिए एक कैंडिडेट चाहिए। और क्या एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है वो क्या करेगी, पर्सन को वहां पे भेज देगी उस कंपनी में इंटरव्यू के लिए। अब जो होता है कि जो कंपनी ए है वो कुछ अमाउंट यहाँ पे फीस को पे करेगी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, चाहे वो कंपनी उस कैंडिडेट को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे इंटरव्यू लेने के बाद, पर उसको उस कंपनी को अमाउंट एम्प्लॉयमेंट एजेंसी को पे ही करना होगा, ठीक। और जो एक और प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जो कंपनी है, ठीक, ये हर टाइम कैंडिडेट बेस्ट कैंडिडेट ढूंढती है। मान लीजिए अगर इस मान एक पर्सन पी है, अगर इसने इस जो कंपनी ए है इसने कंपनी जो पर्सन का इंटरव्यू लिया और इसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। मान लीजिए जो पी पर्सन है कंपनी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक। बट यहाँ पे कंपनी हायरिंग अपनी चालू रखेगी कि पता लगा कि जो मान लीजिए कोई और कैंडिडेट आया, कैंडिडेट पी वन है, ठीक, पी वन है, ये ग्रेटर देन मतलब बेस्ट है किससे, जो लास्ट वाले कैंडिडेट से। तो क्या करेगी, इस जो पुराने वाले कैंडिडेट को क्या करेगी, फायर कर देगी, और कैंडिडेट जो नया है पी वन है उसको क्या करेगी, हायर कर लेगी, ठीक। ये यहाँ कंपनी का प्रोसेस है, और कंपनी की हायरिंग हमेशा चलती रहेगी। उसी तरह ये कुछ अमाउंट एम्प्लॉयमेंट एजेंसी को सेंड करती रहेगी, क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है हर टाइम एक एक कैंडिडेट कंपनी को देती जाएगी, कंपनी उसका इंटरव्यू लेती जाएगी। उसको अगर ये लगेगा कि पुराने वाले कैंडिडेट से जो नया वाला कैंडिडेट बेस्ट है, तो पुराने वाले कैंडिडेट को ये फायर कर देगी और नए वाले कैंडिडेट को इसको हायर कर लेगी, ठीक। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कंपनी ए ने पी वन कैंडिडेट को हायर किया, ठीक। उसके बाद फिर कंपनी हायरिंग अपनी चालू रखेगी, कंटिन्यूस चालू रखेगी, और P1 अभी हायरिंग पे है, ठीक। उसी समय कंपनी ए ने एक और एम्प्लॉय को हायर किया, उसका नाम है P2, चेक किया, और इसको चेक किया कि P2 जो नया कैंडिडेट है, ये न्यू कैंडिडेट है, ये ओल्ड कैंडिडेट अगर ग्रेटर है P1 से, मतलब बेस्ट है, P2 अगर बेस्ट है किससे, P1 से, तो क्या करेगी, P1 को फायर कर देगी और P2 को हायर कर लेगी इसको, ठीक, इसको एक्सेप्ट कर लेगी। ये यहां प्रॉब्लम है, इसको कोड की हेल्प समझते हैं हम लोग। हायरिंग जो असिस्टेंट है, जो पोस्ट है, वहां पे कितने कैंडिडेट हैं, एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट है, एंड यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कैंडिडेट जो इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, और यहाँ पे बेस्ट है, बेस्ट यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बेस्ट जीरो क्यों होगा, मान लीजिए कैंडिडेट बेस्ट, कंपनी क्योंकि हायरिंग कंटिन्यूस चालू रखी है अपनी, तो बेस्ट इसको अभी तक मिला नहीं है, जो भी कैंडिडेट हायर कर रही है। मान लीजिए अगर नेक्स्ट टाइम उसने कैंडिडेट कोई भी इंटरव्यू लेने के बाद चेक किया कि पुराने वाले से नया वाला बेटर है, तो बेस्ट जो नए वाले को उसको हायर कर लेगी, पुराने वाले को फायर कर देगी। इसीलिए स्टार्टिंग में बेस्ट इक्वल टू जीरो होगा। यहाँ पे लगेगा फॉर आई इक्वल टू वन टू एन, मतलब एन नंबर ऑफ कैंडिडेट है, स्टार्टिंग वन है, एन क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट, ठीक। और ये क्या करेगी, इंटरव्यू लेगी,
इंटरव्यू कैंडिडेट करेगी, जो कैंडिडेट क्या होंगे आई होगा, ठीक, और ये चेक करेगी इफ, यहाँ पे क्या लगेगा, लूप लगेगा, इफ जो कैंडिडेट आई है, कैंडिडेट जो आई है अगर बेटर है किससे, बेस्ट से, तो क्या करेगी, बेस्ट को, जो आई को क्या कर लेगी, बेस्ट का दर्जा दे देगी और उसको हायर कर लेगी, हायर किसको कर लेगी, आई को। ये जो प्रोसेस है सेम प्रोसेस यहां फॉलो होता है, ठीक। कैसे, अब इस कोड को हेल्प से हम लोग समझते हैं हायरिंग प्रॉब्लम, ठीक, ये हमारा पूरा कोड है। एंड क्या कैंडिडेट है, कोई भी कैंडिडेट है जो क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, ये कैंडिडेट है, एंड कैंडिडेट है, इसके बाद एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के पास है, ये क्या करेगी, डायरेक्टली सेंड करेगी किसके पास, एक कंपनी है, कंपनी ए, उसको ये कैंडिडेट सेंड करेगी। अब कैंडिडेट जो कंपनी ए है क्या करेगी, हायर करेगी, इंटरव्यू लेगी, ये तुरंत ही बता देगी रिजल्ट क्या है कि आपको हायर करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। मान लीजिए कंपनी ए ने, कंपनी ए ने एक पर्सन को हायर किया पी वन, ठीक, तो क्या हो गया, अब कंपनी की नजर में क्या है, पी वन यहाँ पे बेस्ट है, ठीक। फिर कोई कैंडिडेट आया, कैंडिडेट आ गया, मान लीजिए कैंडिडेट आ गया पी टू आ गया, कंपनी ने इसका इंटरव्यू लिया, ठीक, कंपनी ने इसका इंटरव्यू लिया, ठीक, ये टर्म समझिएगा आप, इंटरव्यू लिया कैंडिडेट का, किसका, P2 का इंटरव्यू लिया गया यहाँ पे। अब ये चेक किया गया जो P2 है, जो P2 है बेटर है किससे, P1 से, तो क्या कर दिया गया, बेस्ट को बोल दिया गया कि P2 हमारे लिए बेस्ट है और P2 को क्या कर दिया गया, हायर कर लिया गया। इस लाइन को समझिए, बेस्ट को हम लोग बोल दिए यहाँ पे, बेस्ट इक्वल टू क्या हो गया, अब यहाँ पे P2 हो गया और P2 को क्या कर लिया हम लोग ने, हायर कर लिया। इसी तरह और भी अगर P3 आएगा, अगर P3 क्या हो गया, P2 से बेटर हुआ तो P2 को क्या कर देगा, फायर कर देगा, ठीक, और P3 को हायर कर लेगा, ठीक। सेम प्रोसेस चलता रहेगा जब तक इसको बेस्ट, अगर अगर पुराने वाले से बेस्ट मिलता जाएगा तो पुराने वाले को हमेशा ये फायर करता जाएगा और न्यू वाले को ये हायर करता जाएगा। ये प्रॉब्लम है, हायरिंग प्रॉब्लम।